भगवः प्राचीना मुखाखिले असंख्याता चैत्राणि। देवनारायण जयंती पे 1111वीं जयंती पर कल कलश यात्रा निकली, जिसमें समाज बंधुओं ने ध्वजा चढ़ाई देवनारायण भगवान के, और आज हवन वगैरह होकर वापस स्थापना करी, मूर्ति स्थापना करी है देवनारायण के, और हजारों की संख्या में खुशी जाहिर करी है गुजर समाज के लोगों ने, और जो हमारे पुष्कर जी के महंत साहब हैं उन्हीं की सानिध्य में सारे कार्य हुए। कौन कौन सी मूर्ति आज विराजमान करी है मंदिर में? आज एक साधु माता जी की मूर्ति है, एक देवनारायण जी की मूर्ति साहब है, एक सवाई बोध जी की मूर्ति है, और एक देवनारायण जी की जो ईंटें होती है हमारे जो वो है, और एक बुढ़ा जी की मूर्ति है। कौन कौन आए इस कार्यक्रम में? आज एक संत महोदय भागीरथ जी है, और अनिता जी MLA साहब है, और देवनानी जी है, और काफ़ी गणमान्य लोग थे। आपका नाम? धर्माराम गुर्जर। आज बहुत खुशी की बात है कि यहाँ अजमेर में आना सागर की तलेटी के ऊपर यहाँ देवनारायण भगवान की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देवनारायण भगवान का जन्म 1111 वर्ष पूर्व एक कमल के फूल में अवतरण हुआ, और आज पूरे देश भर में भगवान देवनारायण भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा जगह जगह हो रही है, जगह जगह आयोजन हो रहे हैं। देवनारायण भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि देवनारायण भगवान हम सबके घरों में शांति, खुशहाली और भाईचारा दें। आज मैं सभी यहाँ देवनारायण इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करने वाले सभी आयोजकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना धार्मिक कार्य करके और उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किया है। मैं देवनारायण भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको दिन तुनी रात चौगनी उनको समृद्धि दे, उनको खुशहाली दे, उनके घर में खुशहाली आए, यही मैं देवनारायण भगवान से प्रार्थना करता हूँ। यही देवनारायण भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय देवनानी जी, बहन अनिता जी, नीरज जी, हरि सिंह जी गुर्जर साहब पधार चुके हैं हमारे।